दो दिवसीय हड़ताल को खत्म करने के लिए प्रशासन हुआ सख्त। उत्तर प्रदेश बैंक एम्प्लॉयज यूनियन के द्वारा राष्ट्रव्यापी दो दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया गया था, जिसको लेकर कुछ बैंक बंद रहे, जिससे लोगों को लेनदेन के लिए समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। जिसके चलते सरकार के आदेश पर जिले के अधिकारियों के द्वारा जनपदों में चल रही दो दिवसीय बैंक कर्मियों की हड़ताल को खत्म कराने के लिए बैंकों में जाकर सुरक्षा व्यवस्था के साथ काम करने की बात कही गई। इसी क्रम में बांदा में भी आज जिला प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा शहर के तमाम बैंकों में जाकर कर्मचारियों से बात करते हुए उन्हें समझाने का प्रयास किया गया और सुचारू रूप से कार्य को करने की बात कही गई। लेकिन जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के समझाने के बावजूद भी क्लर्क लेवल के कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म करने से मना कर दिया। वही जब बैंक के मैनेजर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि बैंक में सारे कार्य सुचारू रूप से किए जा रहे हैं, लेकिन दिन दिन वाले कार्य हैं वही पूरी तरह से बाधित है। अन्य कार्यों के लिए कर्मचारी लगातार बैंकों में कार्य करने में लगे हुए हैं। साथ ही प्रशासन ने बैंकों को सुरक्षा मुहैया कराई ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। खबर जगत के लिए बांदा से दिलीप चैन की रिपोर्ट। तक क्या मामला ये बैंक वगैरह की हड़ताल? बैंक कर्मचारियों का दो दिवसीय हड़ताल है और कुछ कर्मचारियों के द्वारा बैंक के कार्यकाज को बंद करके प्रभावित करने का प्रयास किया गया था। यहाँ पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात है। बैंक के का अधिकारी संपर्क हड़ताल पे नहीं है, उन्हें प्रशासन के द्वारा पूरी सुरक्षा दी गई है और बैंक खुले हुए हैं और काम हो रहा है। किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती का कार्य बाधित करने का अवसर नहीं दिया जाएगा और कोई शांति व्यवस्था समस्या नहीं, बैंक प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है। सर, ये बैंक की हड़ताल थी, क्या मामला है? क्या बैंक खुला है? क्या बैंक खुला है? ऑफिसर्स यूनियन की हड़ताल नहीं है, क्लर्कल यूनियन की हड़ताल है, तो क्लर्क से रिलेटेड सारे काम बंद है। बाकी ऑफिसर अपना काम जो हो सकता है वो लोग अपना सुचारू रूप से करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आम पब्लिक के काम होंगे? आम पब्लिक के जो भी काम, आम पब्लिक के जो भी काम फाइनेंशियल्स हैं, जो पैसे से लेन देन जो क्लर्क के उसके हो सकते हैं वो नहीं होंगे। क्लर्क के अलावा जो भी काम है, RTGS हो गया, NEFT हो गया, ट्रांसफर हो गया, वो सारे काम होंगे।